जीडीपी के, आईआईपी के या इन्फ्लेशन जैसे इंपॉर्टेंट डेटा जब आते हैं, इनके इफेक्ट दोस्तों आपके बाजार पे पड़ती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे डेटा है जिनकी इफेक्ट आपकी कंपनियों के धंधों पे पड़ती है, आपकी कंपनियों के प्रॉफिट पे पड़ती है। इसीलिए निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टर, उनकी अर्निंग पे पड़ती है और आप इसकी इफेक्ट भाव पे देखते हो। तो जस्ट रिसेंटली दोस्तों 12 तारीख को अगेन आईआईपी और इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं। चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि ये बाजार के लिए क्या कहते हैं और उसमें कौन से सेक्टर पे ये ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव है, चेक करेंगे। चलो देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, ताकि ऐसे सब इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मार्केट रिलेटेड आपको मिलते जाए। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको जीडीपी के डेटा याद कराना चाहूंगा। ये अभी लेटेस्ट नहीं आया है, ये 31 अगस्त को दोस्तों क्वार्टर वन के जीडीपी डेटा आए थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमें राह पता चल जानी चाहिए। ये साल 2023-24 में हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च है, तो क्वार्टर वन का जीडीपी ग्रोथ 7.8% है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। राइट, आरबीआई ने 8% उम्मीद किया था क्वार्टर वन का, आरबीआई ने ये पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ 6.5% अनुमान रखा हुआ है। तो 6.5% का अगर उनका अनुमान है और क्वार्टर वन 7.8 आता है, तो हम कह सकते हैं एज पर एस्टिमेट क्वार्टर वन के जीडीपी आए हैं वो समय पे जब दुनिया भर के जीडीपी डेटा पूरे आ रहे हैं। कल ही दोस्तों जापान की जीडीपी डेटा है जो बहुत ही नेगेटिव आए। राइट, तो दुनिया भर में दोस्तों नेगेटिवनेस छाई हुई है, लो ग्रोथ से दुनिया जूझ रही है। ऐसे समय पे दोस्तों भारत रेजिलियंट है और इंडिया का दोस्तों ग्रोथ बढ़िया आ रहा है, आप रिसेंट अनाउंस जीडीपी डेटा से जान सकोगे। तो अभी आपका दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, मैं 6.5% तो इस साल का जीडीपी ग्रोथ देखूंगा, एट करंट प्राइस नहीं, एट विच प्राइस, एट कॉन्स्टेंट प्राइस। करंट प्राइस पे आप दोस्तों डबल डिजिट में जीडीपी ग्रोथ देखोगे, और उसी प्रकार से जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हो दोस्तों, तो आपके स्टॉक मार्केट की कंपनियों के धंधों को आप इस साल 15% से बढ़ता देखोगे। राइट, 15% से बढ़ते धंधे, 15% के ही आसपास प्रॉफिट बढ़ने चाहिए। असल में पिछले साल दोस्तों प्रॉफिट टूटे थे हाई इन्फ्लेशन की वजह से, इस साल इन्फ्लेशन लो रहता है, तो 15% धंधे के सामने 15% प्रॉफिट नहीं आएंगे, 21% प्रॉफिट आएंगे। तो अभी से प्रिपेयर रहो दोस्तों, बाजार 21 के पी पे हो तुम कोई महंगा नहीं है। आज देख लो आप, बाजार दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे है, और बाजार लाइफ टाइम हाई पे है पर आपका पीई महंगा नहीं है। इतने हाई प्राइस पे भी दोस्तों बाजार महंगा नहीं हुआ है, क्या हमें दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, तो अभी हमने जीडीपी का अंदाज ले लिया, चलो जीडीपी किधर जा रहा है, इंडियन बाजार में कोई चिंता नहीं है, पूरा साल दोस्तों अच्छा रहना चाहिए। लेकिन जीडीपी का ही पार्ट है आईआईपी के डेटा जो 12 तारीख को आते हैं, तो ये दोनों डेटा जो अभी पब्लिश हुए चलो वो भी देख लेते हैं, ताकि इंडस्ट्री वाइज भी पता चले क्या चल रहा है। ऑलराइट दोस्तों, निफ्टी का ये चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, आप जानते हो ऑलरेडी 18,088 का रिसेंटली ब्रेकआउट दे दिया है। राइट, तो देखो जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया वेल मैनेज्ड है, ऐसे समय में बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने का जरूर नहीं, अभी तो हम 2 साल के बाद खड़े हुए हैं। राइट, मेरे ख्याल से 3-1 साल में दोस्तों, देखो मैंने तो लाइन किधर ड्रॉ करके रखी हुई है, लेट मी शो यू, टारगेट वार्गेट नहीं है ये, अपना प्लानिंग है किधर 29,920, 3 साल का गोल रखे दोस्तों, 3-1 साल में हम जरूर ये लेवल पे बाजार को देखेंगे, ग्रोथ अच्छा रहेगा, दुनिया में वीकनेस है पर ये ग्रोथ भारत को आगे ले जा सकता है। और मूल बात क्या है दोस्तों, ये लेवल लाइफ टाइम हाई पे भी अपना पी तो 21 है, तो महंगा तो है नहीं बाजार, बस कंटिन्यू ट्रैक करना है कि सब सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आईआईपी के डेटा दोस्तों मिनिस्ट्री के साइड से लिए, तो आईआईपी के डेटा में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जैसे आईआईपी ये पूरा आईआईपी है, प्रोडक्शन इंडिया का ये बताता है दोस्तों। राइट,
आईआईपी डेटा अगर हम देखें दोस्तों, जुलाई महीने में 5.7% का ग्रोथ आया है। दोस्तों बताओ मुझे ये कैसा है। पिछले साल जुलाई महीने में 2.2% का ग्रोथ था, इस साल जुलाई महीने में 5.7% का ग्रोथ है। तो आईआईपी डेटा अच्छे है कि बुरे है? जवाब मिल जाना चाहिए। ग्रोथ अच्छा है दोस्तों, लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छा है, और इस साल अभी तक अप्रैल मई जून जुलाई ये साल के 4 महीने बीते, इन 4 महीनों में हमारा आईआईपी ग्रोथ 4.8% का रहा। तो 4.8 के मुकाबले जुलाई 5.7 है, तो मंथ ऑन मंथ हो, ईयर ऑन ईयर हो, डेटा अच्छे है। अब ये डेटा आईआईपी से हमें क्या नेगेटिव इनपुट मिल सकते हैं? नन। ग्रोथ इन इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, राइट? अब कौन से सेगमेंट से ग्रोथ आया वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये तो पूरे आईआईपी डेटा जनरल हुए, राइट? इसमें ज्यादा वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग का दोस्तों, राइट? तो आईआईपी में 78% वेटेज यहाँ पे आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर वीक होता है तो आईआईपी वीक होता है, आईआईपी वीक होने पे आपके जीडीपी पे भी इफेक्ट होती है। हालांकि जीडीपी में सर्विस इंडस्ट्री भी होती है जिसका सफिशियंट वेटेज है, पर मैन्युफैक्चरिंग का भी तो एक वेटेज हुआ, आईआईपी का भी तो एक दम है वहां पे। तो 78% जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दोस्तों 4.6% से बढ़ा, राइट? अब मेरे को बताओ ये अच्छा बढ़ा कि बुरा बढ़ा। पिछले साल जुलाई में 3.1% का ग्रोथ था, जो बिल्कुल अच्छा ग्रोथ नहीं था। इस साल का ग्रोथ 4.6% का है, अच्छा ग्रोथ हुआ, राइट? अप्रैल में जून जुलाई में 4.8 के सामने जुलाई का 4.6, यानी जुलाई ने नीचे खींचा है। मैन्युफैक्चरिंग पीक थोड़ा जुलाई में दोस्तों हुआ है, पता चलता है ना। इधर अगर ये फिगर ज्यादा होती तो हम बोलते जुलाई पूरे साल से ज्यादा रहा, पर ऐसा नहीं है, पिछले साल से अच्छा है लेकिन, राइट? मैन्युफैक्चरिंग के बाद जिसका वेटेज आता है वो है माइनिंग। तो माइनिंग, अभी कोई भी जो डेवलप्ड इंडस्ट्री हो दोस्तों वहां पे मैन्युफैक्चरिंग तो ग्रोथ करता ही है, माइनिंग भी क्यों ग्रोथ करता है दोस्तों? क्योंकि माइनिंग ही शुरुआत होती है। डेवलप्ड कंट्री में दोस्तों गाड़ियां बिकती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल बिकती है दोस्तों, बनावट तो शुरुआत तो आपके माइनिंग से होती है ना, कहीं तो ये लोग माल सप्लाई करते हैं। तो माइनिंग का ग्रोथ भी होना चाहिए। पिछले साल दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ था जुलाई महीने में, इस साल जुलाई में माइनिंग 10.7 है, मतलब अच्छा ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ है, नेगेटिव स्टांस से पॉजिटिव हुआ। पूरे साल में 7.3 पर जुलाई में 10.7, मतलब जुलाई महीना इनके लिए बढ़िया रहा माइनिंग के लिए, राइट? नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अभी हर एक घर में दोस्तों नंबर ऑफ कनेक्शन बढ़ रहे हैं, राइट? नंबर ऑफ एसिस बढ़ रहे हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल जो आइटम्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की जो आइटम्स है वो बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी तो डिमांड रहती है। आप देख सकते हो पिछले साल जुलाई महीने में 2.3% के सामने अभी 8% का दोस्तों ग्रोथ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ भी बढ़िया बता रहा है, राइट? पूरे साल में 2.9, मतलब पूरा साल इतना अच्छा ग्रोथ नहीं रहा, पर जुलाई में बढ़िया ग्रोथ आया 8%, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी में भी डिमांड अपसर्ज हुई है, राइट? सो ये जो हमने देखा दोस्तों आईआईपी को तोड़ के मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ अभी हम लोगों ने देखा, राइट? तो इसके साथ भी जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं हमें सेगमेंट वाइज भी डेटा देखना चाहिए, राइट? कि भी कहां पे कैसा अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। तो सबसे ऊपर जैसे आप यहां पे देख रहे हो बड़े चेंजेस किधर नजर आ रहे हैं, राइट? जैसे यहां पे मैं देख रहा हूं वेयरिंग अप्रैल, राइट? तो अप्रैल में हमने जैसे पूरे रिजल्ट देखे, क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए थे, क्वार्टर वन छोड़ो पिछले साल क्वार्टर फोर के रिजल्ट आपके अप्रैल के अच्छे नहीं आए थे। इकोनॉमी ऐसी हो जो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रही हो वहां पे अप्रैल की बिक्री बढ़िया होती, पर अभी कुछ डिमांड में कमी दिख रही, राइट? तो आपका मान्यवर हो, आपकी पेज इंडस्ट्री हो, हमने उनके वॉल्यूम कम होते देखे थे नतीजों। अब क्वार्टर वन में भी सुधर के नहीं आए, राइट? चलो क्वार्टर वन खत्म हो गया, अब हम आशा रख रहे भाई ये क्वार्टर में क्या होगा। तो ये क्वार्टर का एक महीना आ गया जुलाई, ये क्वार्टर में भी दोस्तों 22% से अप्रैल के वॉल्यूम गिरे हैं। तो अभी भी उम्मीद नहीं रखेंगे हम, अप्रैल कंपनियों के धंधे बढ़े, राइट? अभी कुछ और इनपुट चाहिए होंगे। ये डेटा
अप्रैल इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, थोड़ी और वीकनेस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और आप देख भी रहे हो, देखो बाजार चल रहा है, मैं यहाँ पे जैसे पेज इंडस्ट्री करता हूँ स्टॉक, राइट, मैं पेज इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग निवेश करते हो तो पेज करेक्शन में है, राइट। जब देखो डिमांड नहीं है तो करेक्शन में ही होगा ना, जिधर डिमांड भी है जिधर प्रॉफिटेबिलिटी भी है वो शेयर दौड़ रहा है। देखो शेयर दौड़ने में दोनों चीज चाहिए, डिमांड यानी धंधा भी चाहिए प्रॉफिट भी चाहिए। यहाँ पे हमने पिछले 6 महीने इतने अच्छे नहीं देखे अप्रैल में, आप मान्यवर देख लो, राइट, अगेन फ्रॉम सेम पर मान्यवर दोस्तों सेलिब्रेशन रिलेटेड कंपनी हुआ, पेज अंडरगारमेंट कंपनी हुई, यहाँ पे भी हम करेक्शन देख रहे हैं, राइट। तो सीधा रिफ्लेक्शन है, ये सब दौड़ेगा कब, जब हम IIP में अपसर्ज देखेंगे, राइट। दूसरा जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों, वुड एंड कॉर्प एक्सेप्ट फर्नीचर, ये जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड एंड प्रोडक्ट, इसमें भी हमें थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, राइट। नीचे मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर भी है, वो भी नेगेटिव, इसका मतलब ये कि फर्नीचर रिलेटेड जैसे यहाँ पे सेंचुरी प्लाई हुआ, राइट, अच्छी कंपनी है सेंचुरी प्लाई भी, अभी करेक्शन में होगी, क्यों, राइट, करेक्शन में, बाजार ने लाइफ टाइम में लगाया, इन्होंने नहीं लगाया, क्यों, धंधे दोस्तों थोड़े वीक है कुछ समय से, राइट। इसका मतलब नहीं गलत कंपनी है पूरी कंपनी, पर दौड़ेगी कब, जैसे धंधे बढ़ेंगे, बराबर की नहीं। नेक्स्ट दोस्तों इसमें और हमें आपकी कंपनी है, जैसे पेपर, देखो पेपर में जनरली हम इतना पैसा लगाते नहीं है, पर पेपर में वीकनेस है, जैसे यहाँ पे आप में से कई लोग, हम भी एक समय पे दोस्तों रिकमेंड करते थे जैसे JK पेपर जैसी कंपनी, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे करेक्शन में है, अगेन बाजार ने लाइफ टाइम हाई लगाया, इसने नहीं लगाया, वाई, नाउ यू नो द आंसर, डिमांड वीक है, राइट। रेकॉर्डेड मीडिया दोस्तों, सारे गमा जैसी कंपनी जिसमें आती है, राइट, देखो नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, -9.8, मतलब जुलाई भी नेगेटिव, साल भी नेगेटिव, जुलाई भी कुछ उनके लिए पॉजिटिव खबर लेकिन नहीं आया है, राइट। सो लेट मी सी, सारे गामा, राइट। यहाँ पे भी कई इन्वेस्टर निवेश करते जैसे हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, राइट, पर बहुत से मैं जानता हूँ अपने ही ग्रुप के लोगों का पैसा लगा हुआ है, पर करेक्शन में है, क्यों, बाजार ने लाइफ टाइम है लगा, इसने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि वीकनेस है। एक समय पे दोस्तों बाजार से अच्छा चल रहा था, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ, उस समय के IIP डेटा में भी आपको दिखता था कि प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, राइट। दूसरा एक केमिकल देखो, देखो केमिकल में भी बहुत से लोगों के पैसे लगे होंगे, तो सबसे बड़ी केमिकल की कंपनी बताओ दोस्तों, देखो वीकनेस है पूरा साल, वॉल्यूम कम रहे, राइट। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन पूरा साल दोस्तों, जुलाई भी रहा, जुलाई ज्यादा वीकनेस लेके आया, राइट। अब बड़ी कंपनियां यहाँ पे जैसे एग्रोकेम की है, यूनाइटेड फॉस्फोरस UPL लिमिटेड, राइट, आप देख सकते हो दोस्तों करेक्शन में है, डिमांड में कमी है, राइट। इससे क्या होता है, देखो कंपनियां दाम को बढ़ा लेती है तो धंधे पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आने देते ये लोग, पर उससे प्रॉफिट टूटते हैं दोस्तों, राइट। अब UPL हो गया, दूसरा केमिकल में और क्या आता है दोस्तों आपका, बड़ी कंपनियां कोई बताओ मेरे को, दीपक नाइट्रेट जैसी भी कॉमोडिटी केमिकल में है ना, दीपक नाइट्रेट करेक्शन में, वाय देख रहे हो आप, इधर वीकनेस है, राइट। तो माल लेने का आप ऐड कर सकते हो, पर कब, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखे तब करो ना, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत आपको रैली मिलेगी, बराबर है। वैसे ही एशियन पेंट, एशियन पेंट भी पेंट केमिकल है, टॉप क्वालिटी कंपनी, पर करेक्शन में है, बाजार ने लाइफ टाइम लगाया, इसने नहीं लगाया, सेम थिंग, यू कैन सी वीकनेस इन केमिकल कंपनीज, बाकी आप देख लेना दोस्तों। अब फार्मा में स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट, पर फार्मा में मैं बता दूं ये भी प्रोडक्ट ऐसी है जो एक्सपोर्ट होती है, बराबर। तो जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो एक्सपोर्ट का माल ज्यादा होता है, राइट, ये आपका डोमेस्टिक बता रहा है, हो सकता है दोस्तों ग्रोथ डोमेस्टिकली अच्छा आया हो। मैं यहाँ पे लार्जेस्ट कंपनी जो है दोस्तों फार्मा की, सन फार्मा, राइट, जो लंबे समय से वीकनेस में थी, ये भी दोस्तों बाजार जैसे लाइफ टाइम है इसका, ये अभी ये नीचे ही है, राइट, पर ये रिकवर होके वापस से अपने पुराने दाम पे आने की कोशिश कर रही है, राइट। कब फटेगी, कब दौड़ेगी, ग्रोथ आने दो, बढ़िया, बराबर है। देन मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं दोस्तों, आप बेसिक मेटल देख रहे हो, अब मेटल की कंपनियों में देखो कितना बढ़िया ग्रोथ है, राइट। जब GDP डेटा आया तब भी हमने बात की थी इसकी, कि मेटल में मस्त ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ, तो इसकी इफेक्ट भी आप JSW टाटा पे देखोगे। अब दोनों चीज होती है दोस्तों, सेल्स बढ़े प्रॉफिट बढ़े, इन्फ्लेशन की वजह से ये मेटल की कंपनियों के प्रॉफिट नहीं बढ़ते थे, राइट, पर धंधे इनके अच्छे हैं, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं JSW स्टील जो डोमेस्टिकली सबसे बड़ी कंपनी है,
मैंने देखा लाइफ टाइम हाई दोस्तों इन्होंने लगा दिया है, लगा दिया राइट, अच्छी चल सकती है क्योंकि आपको ग्रोथ यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। दूसरी कंपनी जो सबसे बड़ी है वैसे टाटा स्टील राइट, टाटा ग्रुप की रिकवरी में है ये कंपनी भी राइट, लाइफ टाइम हाई के करीब आ रही है। अब दोस्तों इनके प्रॉफिट भी सुधरते हम देखेंगे आने वाले समय, बराबर अभी नहीं सुधरे प्रॉफिट, इन्फ्लेशन डाउन जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, धंधे में कमी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। ऑल राइट, तो हमने मेटल देख लिया दोस्तों, बाकी ये बहुत नेगेटिव कौन है यार, देखो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यू कई समय से दोस्तों हम यहाँ पे नेगेटिविटी देख रहे हैं, जुलाई में भी है तो बड़ा नेगेटिव है -16%। अब दोस्तों ये सेक्टर का डाउन होना आपके डिक्सन जैसी कंपनी के लिए अच्छी बात है राइट, क्योंकि डिक्सन ये मैं दोस्तों डिक्सन जैसी कंपनी में हमें ग्रोथ बहुत अच्छा दिखना चाहिए आने वाले समय में, 20% ग्रोथ आना चाहिए, पर अभी वीक है राइट। तो अभी वीक है देखो, ये भी करेक्शन में है, क्यों करेक्शन में है, अब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब ये 2600 के करीब था, हमने बोला था चलो 5600 आएगा और यार आ रहा है 5600, पर इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ा बहुत है, तो रिकवरी है, टूटा रिकवर हुआ, पर रिकवर नहीं दिया है, बाजार चला है ये नहीं चला, क्यों, यू कैन सी वीकनेस इन ओईएम कंपनीज, तो ओईएम में वीकनेस है, पार्ट्स देने वाले कंपनी में भी वीकनेस होगी राइट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ बढ़िया ग्रोथ, दूसरा मेरे को यहाँ ये दिखा 8%, 9% किसमें, मोटर व्हीकल ट्रेलर राइट, तो ये दोस्तों तो ऑटो बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, साल भी अच्छा, जुलाई भी बढ़िया लेके आया, 8.9 इज वेरी गुड ग्रोथ राइट। यहाँ पे जैसे सबसे बड़ी जो पैसेंजर कार की कंपनी है मारुति, दोस्तों यहाँ लंबे समय से मंदी, पर अब दोस्तों इसने देखो ब्रेकआउट दे दिया, बाजार ने ब्रेकआउट दिया, इसने भी दिया, ये दोस्तों बजार के साथ चलने का कोशिश कर रहा है राइट, तो यहाँ पे भी हम जैसे बाजार चलेगा दोस्तों जरूर जोरदार तेजी हम यहाँ पे 15-16 हजार तक की देखेंगे, व्हाई ग्रोथ इज देयर एंड ये दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, मैंने आपको टाटा स्टील जेएनडब्ल्यू स्टील बताया, उन कंपनियों में दोस्तों ग्रोथ होने के बावजूद भी कभी कभी नहीं कमाते क्योंकि डेप्ट हाई रहती है, यहाँ पे दोस्तों डेप्ट है नहीं राइट, सो गुड ग्रोथ वी आर सीइंग इन पैसेंजर व्हीकल कंपनीज, ओवरऑल दोस्तों शांति से आप ये डेटा देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स की साइट पे जाके देख लेने का, ताकि बाजार की दोस्तों चाल पता चले, बराबर है, तो ये हमने कुछ दोस्तों यहाँ पे आईआईपी डेटा देखे, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला होगा आईआईपी से, आईआईपी में बैंकिंग ना सर्विस इंडस्ट्री नहीं आती है, वो आपको जीडीपी आरबीआई की गाइडलाइन में ही देखना पड़ेगा दोस्तों राइट। तो ये डेटा थे आईआईपी, अब हम दोस्तों इन्फ्लेशन के डेटा देख लेते हैं, दोनों साथ में आते हैं, चलो इन्फ्लेशन देखे कि ये हमें क्या ट्रिगर करता है राइट, जस्ट अ मिनट, देखो दोस्तों लेटेस्ट ही ये इन्फ्लेशन के डेटा है 12 सितंबर, और ये मैं 14 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों राइट। अब इन्फ्लेशन के डेटा सीधे इधर आपको नजर आएंगे, दो इन्फ्लेशन देते हैं ये लोग, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइट और एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, तो मूड जहां पे आप ज्यादातर बातें देखते हो वो होती है सीपीआई इन्फ्लेशन, इंडिया में हम कंबाइंड देखते हैं राइट, यूएस के अगर आप इन्फ्लेशन डेटा देखो तो यूएस के अर्बन के डेटा देखने चाहिए क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन अर्बन रहती है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अभी भी रूरल में ज्यादा लोग रहते हैं, तो आप कंबाइंड देख सकते राइट। सो कंबाइंड डेटा हम देखें, महंगाई दर दोस्तों अगस्त में, ये अगस्त का डेटा है, 6.83% से बढ़ के आई, अब सोचो क्वार्टर टू पे हम लोग है, जुलाई अगस्त और सितंबर ये 3 महीने हुए ये क्वार्टर के, ये आपको बताते हैं कि प्रॉफिट कैसे आएंगे, देखो आईआईपी के डेटा बताते हैं धंधे कैसे आएंगे, इन्फ्लेशन डेटा बताते हैं प्रॉफिट कैसे आएंगे, आईआईपी के डेटा आपके पास जुलाई तक के है, अगस्त के अगले महीने मिलेंगे क्योंकि 6 वीक लैग होता है यहाँ पे, इन्फ्लेशन आपको लेटेस्ट मिल जाता है, तो इन्फ्लेशन आपको अभी अगस्त का भी आ गया राइट, तो 2 महीने आपने देख लिए महंगाई कैसी थी, जुलाई में कितनी थी दोस्तों 7.44%, अभी कितनी है 6.83, बताओ मेरे को दोस्तों इन्फ्लेशन इंडिया का कैसा आया, डाउट ही नहीं है ना सुधर के आया, क्योंकि ये महंगाई है ये कम होने पे खुशी होनी चाहिए, आईआईपी ग्रोथ है वो बढ़ने पे खुशी होनी चाहिए राइट, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये घटके आया है, ये खुशखबर है, दैट इज ग्रेट, लेकिन अभी भी हम टारगेट इन्फ्लेशन से हाई है, टारगेट बैंड से हाई है, तो ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जुलाई में 7.5% था जो कि बहुत ज्यादा हाई था,
जी हमारे प्रॉफिट को तोड़ने की ताकत रखता था। यहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोस्तों फूड इन्फ्लेशन का था, क्योंकि आप देख सकते हो फूड इन्फ्लेशन 11.5% से बड़ा था, या डबल डिजिट में फूड इन्फ्लेशन बहुत बुरी बात है। अगस्त महीने में फूड इन्फ्लेशन भी 11.5 से 9.9 आया, दैट्स ग्रेट गुड न्यूज। ओवरऑल इन्फ्लेशन भी 7.5 से 6.83 आया, दैट्स ऑल्सो ग्रेट। तो जो डर था कि प्रॉफिट टूटेंगे महंगाई बढ़ने के कारण, अगस्त में थोड़ा कूल ऑफ होता है, राइट, तो ये खुश खबर है। पिछले साल अगस्त में दोस्तों 60% था, तो पिछले साल के मुकाबले भी कम है। तो लास्ट ईयर से जब आप प्रॉफिट कंपेयर करोगे वो भी दोस्तों अच्छे आएंगे क्वार्टर टू में, राइट। तो दोनों महीने आपने देख लिए, राइट। फूड इन्फ्लेशन पिछले साल 7.622 था, जुलाई में यानी पिछले महीने 11.5 था, अभी दोस्तों 9.9। तो फूड इन्फ्लेशन पिछले साल के मुकाबले हाई है, प्रीवियस महीने के मुकाबले आए। अब दोस्तों दो सोच लो, जो भी कंपनियां फूड रिलेटेड बिजनेस करती है उनको तकलीफ, उनका तो जो रॉ मटेरियल है वो तो बढ़ रहा है। अब उनका किसका रॉ मटेरियल, जैसे आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हुई, फूड से लेना देना है, दोस्तों उनके प्रॉफिट टूटते हैं ऐसे फूड इन्फ्लेशन। तो जुलाई भी उनके लिए बहुत ज्यादा गुड, सॉरी अगस्त भी उनके लिए चलो जुलाई से अच्छा है, पर ये बहुत ज्यादा गुड न्यूज नहीं है। 10% से भाव बढ़ेंगे, उनके प्रॉफिट टूटेंगे दोस्तों। रेस्टोरेंट में कौन, आपकी जुबिलेंट फूड जैसी कंपनी हुई, फिर IRCTC जिनका मेन बिजनेस कैटरिंग से आता है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों ये कंपनियां भी करेक्शन में है, राइट। लेट मी शो यू, जैसे यहां पे मैंने जुबिलेंट फूड देखा, सॉरी ये तो जुबिलेंट इंडस्ट्री आ गई केमिकल वाली, दिस इज जुबिलेंट फूड वर्क्स, राइट। अब देख सकते हो दोस्तों करेक्शन में है, राइट। करेक्शन में है दोस्तों, दो चीज इनको प्रॉब्लम करती है, एक तो इंटरेस्ट रेट हाई, इनकी ज्यादातर स्टोर्स जो होते हैं वो रेंटेड होते हैं, दोस्तों इन्फ्लेशन हाई होता है, परचेसर को ज्यादा EMI पे करना पड़ता है, ऐसे केसेस में रेंट भी बढ़ जाते हैं, खर्चा बढ़ाता है दोस्तों ऐसी कंपनियों का। सेकंड, इनका मूल रॉ मटेरियल जो है वो ही बढ़ता जा रहा है फूड इन्फ्लेशन, तो इनसे इनको दाम बढ़ाने पड़ते हैं, और दाम बढ़ाने पे डिमांड कम होती है। तो दो चीज से जूझ रही है आपकी कंपनी या रेस्टोरेंट की, डिमांड लो हुई है इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से, प्रॉफिट घट रहे हैं फूड इन्फ्लेशन बढ़ने से। ये दोनों चीज जैसे कूल ऑफ होगी, जुबिलेंट फूड दोस्तों यहां से रिकवर होगा और बढ़िया रैली करेगा। दोस्तों ये नई बात नहीं, हमने पहले भी ऐसे ही वाक्य देखे थे, राइट। पर आपको प्रिपेयर रहना होगा। दूसरी कंपनी आपकी कौन सी है, IRCTC, राइट, इन द सेम सेक्टर। आप देख सकते हो, देखो ये भी करेक्शन में, सेम स्टोरी, अब वापस स्टोरी रिपीट तो करूं नहीं मैं, बराबर ना। पर देखो सीधी बात है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे कंपनी के प्रॉफिट होंगे, राइट। तो इनके मार्जिन भी अभी जो रिजल्ट आए वो भी इतने अच्छे नहीं आए थे, डिमांड एकदम लाजवाब थी दोस्तों, इतनी सारी नई नई ट्रेन आती जा रही है, हर ट्रेन इनके धंधे को बढ़ाती है दोस्तों, राइट। तो ट्रेन तो और बहुत आएगी, धंधे की इनको कोई कमी नहीं है, पर ये धंधा करेंगे मार्जिन नहीं बचेंगे तो क्या होगा। सो दैट इज द रीजन योर IRCTC इज इन करेक्शन, राइट। तो ये हमने दोस्तों ओवरऑल इन्फ्लेशन के डेटा देखे। यहाँ पे मैं थोड़ा और डाउन स्क्रॉल करके डिटेल में इन्फ्लेशन को देखना चाहूंगा, खुशखबर तो मिली कि नहीं आपको, डाउन हुआ है, पर ये होना कितना चाहिए अरे वो बताना पड़ गया। इन्फ्लेशन दोस्तों 4% का टारगेट रखती है RBI, 4% इन्फ्लेशन मतलब बराबर है। देखो अभी इंडिया की, इंडियंस की इनकम 9% से 9.5% से बढ़ रही है, महंगाई 4-1% से बढ़ेगी तो भी पैसा बचता है, राइट। पर अगर 9% से आपकी इनकम बढ़ेगी ना 9% से खर्चे बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। अभी आपके खर्चे 60% से बढ़े, थोड़ा स्प्रेड मिला, पर ये इनफ नहीं है। टारगेट इन्फ्लेशन 4% होता है, पर RBI क्या टारगेट रखती है, 4 लाना है, प्लस टू माइनस टू की एक बैंड होती है, राइट। तो इन्फ्लेशन कितना सेट रखना है दोस्तों, 6 से आगे तो जाना ही नहीं चाहिए, 4 से आगे 6 तक चलो ये बैंड हुई, और नीचे और माइनस टू करो तो 2, तो 6 से 2 में इन्फ्लेशन घूमता रहता है, जितना 6 से करीब उतना खराब, राइट, ये याद रखे। अभी क्या हाल है, तो अभी तो ये 6 से भी ऊपर है, तो ये अच्छी बात नहीं है ओवरऑल इन्फ्लेशन के लिए, खुशी तब होगी जब 6 से नीचे इन्फ्लेशन आ जाए, राइट। नाउ लेट अस चेक प्रोडक्ट एंड सेगमेंट वाइज। दोस्तों
वेटेज भी देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फूड इन्फ्लेशन बड़ा काम करता है। देखो 54% वेटेज फूड का है, यानी फूड के दाम बढ़ने पे तकलीफ होगी, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा ये, राइट। अब कितना बड़ा ये भी देख लेते हैं, अलग अलग चीजों में। मैंने डाउन स्क्रोल और किया दोस्तों, यहाँ पे मैं मेजर डेटा ही स्टडी करूंगा, सब नहीं देखने वाला हूं। देखो ये एक डबल डिजिट में सीरियल एंड प्रोडक्ट्स, राइट, ये फूड का पार्ट है। फूड एंड बेवरेजेस दोस्तों 9% से बड़ा, नॉट गुड, फूड रिलेटेड कंपनियों के लिए बुरी बात है, राइट। अब ज्यादा तकलीफ किसको है, सबसे ज्यादा ये स्पाइसेस, तो स्पाइसेस के दाम 23% से बढ़े हुए पिछले साल के मुकाबले। तो स्पाइसेस ने आपकी जेब में स्पाइसेस कर दिया है, खाली खाने में नहीं। स्पाइसेस किधर यूज होते हैं, रेस्टोरेंट यूज करता है, धंधा उनका क्या होगा दोस्तों, सॉरी प्रॉफिट उनके क्या होंगे, गिरते हैं, राइट। पल्सिस एंड प्रोडक्ट डबल डिजिट। वेजिटेबल अभी भी, यस, ये अगस्त के दोस्तों डेटा है, 26% से सब्जियों के दाम ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। दोस्तों ये सब है जो अनइवन मानसून पूरा प्रॉपर वे में स्प्रेड नहीं हुआ, ये उसकी बदौलत है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी है ना, ये बिगाड़ता है दोस्तों आपकी इस इंडस्ट्री को। तो रेस्टोरेंट के लिए नेगेटिव, दूसरा रेस्टोरेंट के लिए हमने ये दो चीज तो देखी दोस्तों। साथ में एक और चीज भी ज्यादा यूज होती है, किधर गया, जस्ट लेट मी चेक, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, है ना, जैसे पनीर वनीर वगैरह भी यूज होता है, 8%, मतलब पनीर ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, अभी तक ये भी बहुत बढ़ रहा था, पर चलो अभी ये कंट्रोल में आ चुका है, राइट। ऑयल एंड फैट्स दोस्तों 15% से दाम गिरे हैं। अब ये एक ऐसा है दोस्तों इंडस्ट्री जहां पे गवर्नमेंट का बेनिफिट होता है इन कंपनियों, राइट, क्यों, क्योंकि सरकार चाहती है कि ऑयल ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक मिले, तो इनको सरकार की सुननी भी पड़ेगी दोस्तों, ऑयल की कंपनियों को अपने दाम घटाने पड़े। अब इनके पास ऑलरेडी स्टॉक जो था दोस्तों महंगे दाम वाला था, तो इस बार ऑयल की कंपनियों के प्रॉफिट टूटे, 70% से पतंजलि के प्रॉफिट टूटे, अदानी विलमार तो लॉस में आ गई, आपने देखा होगा उसकी इफेक्ट भी भाव पे आई होगी, राइट। धंधे भी पतंजलि के खाली 8% से बढ़े, क्यों, क्योंकि दिस थिंग, तो वॉल्यूम 35% से बढ़े, तो ऑयल का धंधा उनका जोरदार चला, पर दाम नहीं ले पाए, तो ये क्यों, देखो 15% डाउन, तो ये ग्राहकों के लिए ये खुशखबर है, कंपनी को ये लिए खुशखबर नहीं है दोस्तों, राइट। अब ये कब का है, ये तो अगस्त का है, हमने क्वार्टर वन के रिजल्ट कब के देखे थे, क्वार्टर वन मतलब अप्रैल में जून में भी ये हाल था, जुलाई अगस्त में भी ये हाल, तो अभी भी हम नियर टर्म में पतंजलि अदानी विलमार यानी ऑयल की कंपनियों के धंधे को रियलाइज हो पाए, मतलब बढ़िया ग्रोथ हो पाए, अभी क्वार्टर टू में भी उम्मीद नहीं करेंगे, इधर दिख जाएगा, सिर्फ आप देख लेना उनके धंधे बढ़ेंगे, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों, फूड एंड बेवरेजेस ये तो हमने देख लिया 9% का ग्रोथ, क्लोथिंग फुटवेयर बराबर है दोस्तों, इतना ही होता है, हाउसिंग 4%, मतलब ये अच्छा ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, तो हाउसिंग इंडस्ट्री दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के देखो दाम बढ़ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, इधर हाउसिंग के दाम 5% से बढ़े पिछले साल के मुकाबले, ये हाउसिंग का ग्रोथ बता रहा है। अब दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, तो हाउसिंग के दाम बढ़ने से महंगाई नहीं दिखेगी, पर यूएस में हाउसिंग बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यूएस अर्बन है, इंडिया रूरल है, रूरल में बहुत मकान नहीं बिकते, मकान बिकते अर्बन में, राइट। तो हाउसिंग में दाम बढ़ना भी बहुत इफेक्ट नहीं करेगा दोस्तों, बराबर है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, ये आप देख सकते हो दोस्तों, शांति से देखो डेटा, आपको कुछ आइडिया आएगी, राइट। सो दिस वॉज, हमने जीडीपी की बात, ग्रोथ मस्त है, आईआईपी हमने इंडस्ट्री देखी, किधर अभी भी ग्रोथ अच्छा है, किधर वीकनेस है, और इन्फ्लेशन, तीनों चीज देखी दोस्तों, ग्रोथ बढ़िया, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होके आया है, ये सब चीज अच्छी है दोस्तों इंडिया के। अब बरसात ये महीना दोस्तों थोड़ी अच्छी गिर जाए, क्या होगा, चांद ही चांद, राइट। बरसात अच्छी गिरे दोस्तों, ये भी एक बढ़िया इंडिकेटर है, ये सब जो दाम बढ़ जाते हैं वेजिटेबल के ना, ये जो आपके फूड के, ये दाम इतने बढ़ेंगे नहीं, सप्लाई प्रॉपर रहेगा दोस्तों, और डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिसेंट डेटा, मुझे उम्मीद है कुछ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकाऊंगा दोनों डेटा से, आईआईपी के और इन्फ्लेशन से। धन्यवाद एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।